हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है दशहरा और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। और माता रानी की आज विदाई हो गई। बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है क्योंकि एक आदत होता है ना, 9 दिन से सुबह शाम आरती करो, पूजा करो, तो आदत हो जाता है। अब एकदम सुना सुना लग रहा है। जहाँ मैं रखी थी दुर्गा जी को टेबल, एकदम सुना सुना लग रहा है। अभी मैं उनको, दुर्गा जी को मंदिर में रख दी हूँ, वहाँ उनको अच्छे से रख दी मंदिर में। और पूजा वूजा सब हो गया है मेरा। अभी देखो मैं बाल धो के आज नहाई। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और पीछे मैं मैगी बना रही हूँ नाश्ते में, आर्यन के लिए थोड़ा सा मैगी बना रही हूँ बस। और बाकी लोग, हम लोग फ्रूट्स खाए। कल देखो मैं सुबह से कितना काम की। मैं सुबह से मतलब वो जो कल पूजा हुआ था ना, उसकी सब साफ सफाई कर रही थी, बर्तन वर्तन साफ करो। तो ये देखो मैं, तो ये कल धो दी, बर्तन धो के रख दी। और फिर इधर तो ये आज सुबह धोई, कल बिल्कुल भी हिम्मत नहीं किया मुझे धोने का, मैंने ही धोई। ये सब रख दी थी ऐसी। और माता जी के पास ये शाम को मैं भोग लगाई थी, आरती उरती तो सब वहीं पे था बर्तन। आज मैं सब धो दी। अब सबका पानी निकल गया, अच्छे से सूख गया है, इसको रख दूँगी। अब फिर 20 दिन बाद काम आएगा ये सब, दिवाली के दिन। लाइट और ये सब फूल पत्ती जो था वो सब निकाल के रख दी। अब इसको भी रखना है अभी। और ये जो मैं माता जी को चढ़ाई थी कल, तो ये सब श्रृंगार का सामान, ये सब छुट्टी है। आ रही आज तुम्हारा लास्ट छुट्टी है, कल से जाना है। तो अभी आर्यन को दे दी हूँ मैगी, आर्यन खा रहा है। और फिर मैं आ गई अपने रूम में। तो अभी सब कुछ रख दिया मैंने, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे पसंद है, मैं भी ली हर बार साड़ी साड़ी, माता जी तो लहंगा भी पहनती है, तो मैंने लहंगा चढ़ा दिया। और फिर मुझे काम आ जाएगा बाद में, देखो कब पहनती हूँ। अभी कुछ सोचा नहीं है कब पहनेंगे, देखो कब पहनती हूँ। और फिर अभी मैंने सब रख दिया जो माता जी को चढ़ाया था, श्रृंगार का सामान सब कुछ। और ये देखो जो रेड बिंदी दिख रहा है ना, वो मैंने उसमें से निकाल के एक लगा ली। और ये ग्रीन वाला तो मैं ये सूट पे मैचिंग लगाई थी, तो मैंने जब माता जी को मंदिर में रखा तब वो बिंदी लगा ली मैं अपने सिर पे। तो चलो अच्छे से मेरा तो नवरात्रि एकदम बहुत अच्छे से हो गया कल। हवन भी हो गया अच्छे से, टाइम से सब कुछ हो गया, आरती भी हो गया और कन्या भी खिला दी। मुझे 8 कन्या मिली थी और 1 आर्यन लंगुरिया। अभी मैं आ गई हूँ हॉल में और आज मैं बताती हूँ कि ये मुंबई में, महाराष्ट्र में आज दशहरा के दिन क्या होता है। तो ये देखो आज दशहरा के दिन ना सबके दरवाजे पे आज हार लगता है। तो मैं जब विश्वकर्मा पूजा में, तो यहाँ मुंबई में मैं देखी कि आज के दिन, आज जो दशहरा है ना, तो आज के दिन गाड़ी में मतलब जितना जो बाइक स्कूटी सब होते हैं उसकी पूजा होती है आज। तो आज यहाँ देखोगे ना हर गाड़ी में हार लगा रहता है। तो चलो मैं दिखाती हूँ, आर्यन गया है इधर। तो ये देखो, ये पहले मैं अपना दिखाती हूँ। तो ये मैं लगाई कल ये हार, और ये तोरण, तोरण यहाँ ऐसे मिलता है, ये देखो धान का, वो चावल होता है ना उसका, धान का है। तो ऐसे देखो मैं लगा दी हूँ अपने दरवाजे पे। और ऊपर है मेरे गणपति बप्पा, उनको भी एक हार लगा दी हूँ छोटा सा, ये देखो आप लोग, ये गणपति बप्पा है और इनको हार लगा दी हूँ। और इधर आ जाओ तो ये देखो, तो ये लोग भी लगाए, देखो ये लोग भी तोरण लगाए हैं और फिर हार भी, देखो एक इधर। और ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। और दोस्तों मैं अभी आ गई किचन में, एक और चीज़ याद आया मुझे, तो आप लोग को बताना चाहती हूँ मैं। तो ये देखो आप लोग, ये जो पत्ता है ना, इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो पत्ता है ना, तो इसको अभी तोड़ तोड़ के रखना है अच्छे से। ये देखो ऐसा होता है पत्ता, ये देखो आप लोग। तो ये पत्ता जो है ना, इसको बोलते हैं सोना, इसका नाम सोना है। तो ये आज ना महाराष्ट्र में, ये आज जो बड़े है उसका पैर छुओ, जो छोटे है उसके गले मिलो, तो ये होता है। तो हम लोग पहले नहीं करते थे, लेकिन फिर देखे कि ये लोग आ रहे हैं कर रहे हैं, तो फिर हम लोग भी मतलब पत्ता लाने मंगवा ली हूँ, पापा लाए सुबह। और ये
देखो कौन आता है घर पे, उनको देंगे ऐसे दे के बोलना रहता है सोना लो सोना। पर आई थी ना यहाँ, तो जब ये दशहरा फर्स्ट दशहरा मेरा था मुंबई में, तो मम्मी बोली कि अभी शाम को आएंगे लोग बोलेंगे सोना लो सोना दो, ऐसे सोना लो मतलब सचमुच में सोना देना पड़ेगा क्या, ऐसे लगा था मुझे। पर ऐसा नहीं, मम्मी बताई कि एक जो पत्ता होता है उसका नाम रहता है सोना, सोना लो सोना दो उसी को बोलते हैं। अच्छा तब ठीक है। तो वही चलो शाम को देखो कौन आता है नहीं आता है क्या होता है, तो ऐसे वीडियो शूट करूँगी मैं। चलो तो चलो अभी मैं जा रही हूँ आराम करने, दोपहर के टाइम हो गया है और थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर शाम को मिलती हूँ मैं आप लोग से। तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहो और खूब इंजॉय करो और खूब ढेर सारा प्यार दो मुझे और सपोर्ट करो, और आप मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर देना। तो मैं आराम कर ली, उठ गई हूँ और अभी शाम के बज रहा है 5, और ये मैं जो बर्तन धो के रखी थी तो सब रख रही हूँ, तो ये मैं अपने ही रूम में रख रही हूँ अलमारी में, ये देखो बीच में रख। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गा माता को देखने, आज लास्ट दिन है। और ये देखो इधर इधर भी हार लगा है सबके दरवाजे में, बड़ी बड़ी की शादी हो गई। तो अभी जा रहे हैं हम लोग शिव मंदिर। शिव मंदिर नहीं, हम लोग की कॉलोनी में जो हम लोग की गली में है दुर्गा माता, उनके दर्शन करने आज चली जाएगी दुर्गा माता। तो ये जा रहे देखो इधर और आज आज में आज लगती है, तो ये देखो बाइक में, ये देखो इधर सब में लगी है सब में, ये देखो उधर उसमें लगी है, फिर उसमें भी लगी है, सब में लगी है, मेरे पापा की गाड़ी में भी लगी है। हाँ सब में लगी है। अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गा माता के पास देखने, आज सिंदूर से खेलते हैं ना लोग पूरा औरत मिलके। गई माता जी गई बड़ी वाली के पास चली गई। तो अभी वहाँ से हम लोग आ गए छोटी दुर्गा माता के विसर्जन देख के, और फिर यहाँ आए मेन मार्केट में जहाँ बड़ी दुर्गा है, तो इनका विसर्जन हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग आ गए, ये देखो अभी जा रहे विसर्जन हो रहा है, ये बड़ी दुर्गा माता है मेन मार्केट की। तो वहाँ से अब हम लोग ये देखो इन्हें इंजॉय कर रहे हैं, ये लोग डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और आर्यन हम लोग आए हैं देखने विसर्जन, क्योंकि ये मुंबई में ना आज ही हो जाता है विसर्जन दशहरा के दिन, और हमारे गांव में कल होगा विसर्जन। तो चलो देखो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी रात के बज रहा है 9 बजे आए हैं हम लोग देखने, और यहां से फिर अभी हम लोग घर जाएंगे, और पहले उससे पहले हम लोग जलेबी लेंगे। समोसा बन रहे कैसे आ रहे हैं? हाँ अभी हम लोग आ गए घर जा रहे हैं, और मैं क्या लाई देखो जलेबी, ये देखो तो जलेबी लेके आई, आज हम लोग जलेबी खाते हैं। और जलेबी आज हम लोग गांव में ना जलेबी खाते हैं दशहरा के दिन, आज हम लोग सब लोग जलेबी खाते हैं, मेला जाते तो ज़रूर जलेबी आता है घर पे, तो वैसे मैं भी लाई। और आर्यन जा रहे हैं ऊपर, मैं भी जा रही हूँ जलेबी लेके, और नीचे दूध है इसमें, दूध लेते आई, लेकिन सुबह फिर जाना ना पड़े चाय के लिए, और जलेबी लाई हूँ। तो जा रहे हम लोग खाएंगे जलेबी, और आप लोग भी खाइए जलेबी आज खाते हैं। चलो मैं आ गई घर, और तो अभी जलेबी लाई मैं, और फिर मैं बोली ना सोना लेने सोना देने आएंगे लोग, तो आई है तो अभी जा रही हूँ देने में। तो जलेबी है आज, जलेबी खाते तो जलेबी दे देती हूँ और पानी। तो चलो अभी जलेबी आ गया है और हम लोग खाएंगे, ये देखो आर्यन भी इधर आ गया है प्लेट लेके, तो इसको अभी दे देती हूँ आर्यन को जलेबी, और आज हम लोग खाते हैं।
मम्मी पापा के एकदम थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा सा मतलब कैसे बताऊँ आप लोग को, ये होता है ना एकदम ऐसे दी मम्मी को एकदम ऐसे थोड़ा सा कि शुगर है ना ज़्यादा नहीं खाना है मीठा, आज खाते हैं हम लोग, मैं इसीलिए लेके आ गई। चलो बस दो ही आप लोग भी खा लो और सब लोग बोलो एक बार हैप्पी दशहरा। तो चलो मैं भी खा लेती हूँ और रख देती हूँ जलेबी। तो चलो वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और एक बार फिर से बोला हैप्पी दशहरा, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और फिर चलो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।